अरे बाप रे यार, भट्टी ने आग उगल दी। तो ये बाहुबली चीला तैयार हो रहा है अपना, ये देखिए भाई साहब क्या लग रहा है यार। बनते देखते में ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। तो सभी दोस्तों को नमस्कार जो ये वीडियो देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोस्तों ग्वालियर में इंद्रगंज थाने के सामने। यहाँ पे है एक स्टॉल आगरा चाट भंडार, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को दिखाने 3 फीट का चीला, ग्वालियर में सबसे लंबाई वाला चीला यहाँ पे मिलता है। और वो किस तरह से बनाते हैं, क्या खास बातें हैं, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए इधर पे है अपनी आलू की टिक्की, जो कि इस तेल में बढ़िया गर्म तेल में कड़क हो रही है, मतलब फ्राई होके एकदम क्रिस्पी हो जाती है। उसे मसाला वसाला डाल के ये लोग बना के देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद है दोस्तों पानी की टिक्की, और ये होता है करेला, इसमें भी सारे मसाले चटनी वगैरह डाल के दिए जाते हैं। और ग्राहक आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे ग्राहक आते हैं, और भैया बिल्कुल भी फ्री नहीं रह होते हैं। और यहाँ पे अपन लगवाएंगे अभी 3 फीट का चीला। तो भैया से बातचीत कर लेते हैं। भैया आपका शुभ नाम? शिवम। शिवम भैया अपने, तो ये स्टॉल अपन कब से लगा रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए अपने को। तो आज आप क्या खिलाने वाले हैं अपने को? बाहुबली चीला 3 फीट। बाहुबली चीला, ओके। ग्वालियर का बाहुबली चीला है भैया, आप देखिए तैयार हो गया है, मतलब तैयार हो रहा है और इसकी बनने की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए इसको किस तरह से बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, और घुमाते घुमाते कर दिया इन्हें लंबा। अभी और लंबा होगा, ये मेरे फ्रेम में नहीं बन पा रहा, मतलब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है, लेंथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये फ्रेम से भी बाहर जा रहा है। ये देखिए भाई साहब, इसकी नपाई करेंगे ना तो ये भाई साहब 3 फीट निकलेगा। ये काफ़ी बड़ा तवा है इनका, और इस तवे पर चीला भरने की तैयारियाँ हो रही हैं। मैं शुरू में डाल दिया है इसका पेस्ट। ये पेस्ट काय का था भैया? ये मूंग की दाल का पेस्ट था। अब इस पर लग रहा है दोस्तों बटर, ये देखिए अमूल बटर लग रहा है इस पर, बढ़िया। ये हमने आधी टिक्की करीब इसमें लगा दी है। अब ये मसाला डाल दिया अपन ने, चाट मसाला। ओ जी जी, चाट मसाला डल गया है दोस्तों इसमें। ये लग गई है आलू की एक लेयर, मसालेदार आलू है भाई साहब, और कितना बढ़िया दिख रहा है ये देखने में। और ये चीला अपना पूरी तरह से सिकना चालू हो गया दोस्तों। अब इनने डाल दिए हैं इसमें बढ़िया नमकीन, अरे वाह। ये डाल दिया भैया ने बारीक कटी हुई प्याज धनिया के साथ। ये डाल दिया भैया ने इसमें टमाटर। तो ये बाहुबली चीला तैयार हो रहा है अपना, और इस पे किसी जा रही है पनीर। ये देखिए भाई साहब क्या लग रहा है यार, गजब। भर बड़ी मात्रा में इसमें पनीर डाली जा रही है। अभी क्या लगा रहे हैं भैया इसमें? ये चीज लग रहा है अमूल का चीज, ओके। तो बटर डाला, आलू डाला, टमाटर डाले, प्याज डाले, उसके बाद नमकीन डाले, और फिर पनीर, ऊपर से एक्स्ट्रा चीज, गजब। तो इसको बनते देखते में ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों, बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। ये डल गए इस पे अनार के दाने, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अरे बाप रे यार, भट्टी ने आग उगल दी। अभी अपना तैयार हो गया चीला, ये देखिए। ये काफी हाइट का है, लगभग 3 फीट का चीला लग के तैयार हो रहा है अपने लिए। इसको इस तरह से कट किया जा रहा है।
ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये आ गया अपनी प्लेट में लग के, भैया को दीजिएगा। तो ये चीला दोस्तों इतना बड़ा है कि एक आदमी के बस की बात नहीं इसको खाना। ये देखिए इसके साथ साथ क्या चटनी वगैरह अपनी, ये है अपनी चटनियाँ, एक में दही है, एक में मीठी चटनी और एक खट्टी चटनी, हरी चटनी। ये देखिए मीठी चटनी है और हरी चटनी है और साथ में दही, उस पर डला है ऊपर से मसाला। तो ये लग के आ गया अपना चीला, खाते हैं इसको फिर बताते हैं कैसा है। इतना बढ़िया दिख रहा है ये देखने में, ये देखिए आप, मतलब आपको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, इतना शानदार बनाया है। चलिए इसका एक बाइट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा क्या टेस्ट है। बहुत ज़्यादा गर्म है और अपन अभी इसको मीठी चटनी के साथ ट्राई करते हैं। बहुत शानदार है, अब दही के साथ ट्राई कर रहा हूँ। वाह वाह, क्या कहना, एक नंबर। और थोड़ा हरी चटनी भी, बहुत लाजवाब है। और ये सब खा के आज मेरा पेट टर्न होने वाला, मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा। और जब पेट को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और थोड़ी बातें भैया से बाद में करके। तो शुभम भैया, अब जरा अपनी ऑडियंस को बता दो आपका टाइमिंग वगैरह क्या रहता है। टाइमिंग है अपना 5 से 11:30, तो शाम के 5 बजे से लगा, हाँ, और रात के 11:30 बजे तक। और जैसा कि अपन अभी आपने अपने को बाहुबली चीला खिलाया है, ठीक है, अगर ऑडियंस आती है उसको छोटा चीला भी खाना है अगर किसी को, तो उसके लिए व्यवस्था है अपने पास, हाँ, है ना। तो जैसे कि ये बन रहा है, तो दोस्तों देख रहे हैं आप, छोटा चीला भी आप यहाँ पे आगे टेस्ट के लिए मतलब ले सकते हैं। और बाहुबली चीले का रेट क्या था अपना, 100 रुपये का बाहुबली चीला था अपना, और इन सब का 30 रुपीज़, ये 30 रुपीज़ में बन रहा है। तो मतलब काफ़ी सारा अच्छा इनमें अरेंजमेंट किया गया है इस छोटे से स्टॉल में, और बहुत सारे आइटम यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा जब भी आप ग्वालियर आते हैं तो शिवम भाई के पास ज़रूर आएँ। और भैया थोड़ा एड्रेस के बारे में बता दीजिएगा। इंद्रगंज चौराया डाल बाजार के नुक्कड़ पे। ओके भैया, अरे भैया